दे चल ऐसा हो जाए तो मैं हो जाए रेडी यस सो कैसी लगी फिल्म बाजार ठीक थी एवरेज थी मूवी अच्छी मूवी बेटर थी अच्छी थी बट ज्यादा अच्छी इसमें सैफ की एक्टिंग थी और सेकंड थिंग अभी फर्स्ट टाइम मैंने फ्रेंड के साथ देखी मैं ट्राई करूंगा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ देखने के लिए भी तो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी बेसिकली जो अभी ये बाजार का ये चल रहा है मार्केट का कम नाम अप डाउन चल रहा है उसके रिलेटेड मूवी थी सैफ अली खान की मूवी मतलब एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी बेसिकली पता नहीं एवरेज सीक्वेंस नहीं था नॉर्मल एक नॉर्मल स्क्रिप्ट थी ज़्यादा एवरेज स्क्रिप्ट थी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था उतना बट एज कम्पेयर टू सैफ की एक्टिंग अगर हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छी थी अराउंड 50-60% 100 out of 60% यस फोर 5 out of 4 यस थैंक यू बाय एक नंबर मूवी थी सैफ की एक्टिंग बहुत अच्छा एड किया बहुत अच्छा किया पिक्चर लगी बहुत अच्छी मूवी है वापस देखेंगे एक बार अभी तो क्या कुछ खास लगा आपको स्टोरी तो एकदम बेस्ट है देखोगे तो पता चलेगा मस्त स्टोरी ट्विस्टिंग टर्न्स की बात करो तो कितने कितने ट्विस्टिंग कैसा लगा आपको ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी थी वापस देखेंगे कल वापस आएंगे वापस कितने स्टार्स देना चाहेंगे 5 थैंक यू सो मच तालियां सुपर माइंड ब्लोइंग चलेंगे सबसे अच्छा एक्टिंग किसकी लगी मेरे ऑफ कोर्स सैफ अली खान क्या खास बात लगा सैफ अली खान से ऑलवेज अ मेक स्टार लाइक रेस्ट्री उनको ये तरह के में है कितना कैरेक्टर को डल पाया कितना गुजराती बन पाया क्योंकि बिजनेस माइंडेड होते हैं बिजनेस पे मूवी है ये बाजार या आई थिंक आई फील लाइक अनिल अंबानी लाइक या तो देख रहे हैं उसी तरह तो इस तरह के मूवी उनको शूट करता है या ये मस्त है हनी सिंह रॉकिंग राधिका आपटे और चित्रांगदा भी है इनकी केमिस्ट्री की फाइनल माइंड ब्लोइंग एक्टिंग चित्रांगदा को बहुत दिन पे बाद देखने के लिए मिला राधिका आपटे आउट ऑफ 5 4.5 अच्छा अभी तो सब्जेक्ट वाइज ठीक है लेकिन चलेगी नहीं बिजनेस पे डिपेंड है कितना कर उतर पाए एक्टिंग वाइज सैफ अली खान सैफ अली खान का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है काम ठीक है लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है आम पब्लिक जो जिसको पिक्चर देखने के लिए जो आते हैं बांधे नहीं रखी मूवी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है सैफ भैया जिसको नॉलेज है उसके लिए ठीक है आम आदमी नहीं नहीं आम आदमी के लिए ठीक नहीं गाने कैसे लगे आप गाने एक दो गाने हैं लेकिन खास नहीं है कुछ हाँ वो दोनों सपोर्टिंग रोल में है ठीक है सर दो नहीं मेरे को नहीं अच्छे लगे हमें अच्छे लगे नहीं अच्छे लगे क्या स्टोरी नहीं थी ना कुछ एंड क्या दिखाया शुरू कहाँ से भी बीच में कहाँ गए कुछ भी नहीं था गाना था ही नहीं यार उसमें तुम जाके देखो ना गाना नहीं है उसमें इंटरटेनमेंट कुछ नहीं था बोरिंग था सरदर्द है जीरो जीरो आ जाओ आ जाओ ना सुमो अरे आ जाओ ना यार क्या अभी तुम्हारा मैं मेरे को आ जाओ बाजार देखी नहीं भाई जबरदस्ती किसी भी चलो बोलो अच्छी फिल्म है स्टॉक मार्केट के ऊपर है और स्टॉक मार्केट में जो एक हाई लेवल और लो लेवल जो चलता रहता है वो वही दिखाया गया है इसमें और इसमें एक नया करेक्टर आया है रोहन है उनका नाम हाँ रोहन मेरा उनका डेब्यू हुआ इसमें तो वो बहुत ही अच्छा करेक्टर किया बाकी सैफ अली खान और राधिका आप्टे के बारे में यही कहना है कि वो फेमस सेलिब्रिटी हैं वो तो कुछ भी एक्टिंग करेंगे तो अच्छी लगेगी लेकिन वन टाइम वॉच मूवी है सैफ अली खान की एक्टिंग किस तरह की उनके बारे में तो कंपेयर करना नहीं है क्योंकि वो बेस्ट एक्टर हैं और वो बहुत सेलिब्रिटी हैं तो उनके बारे में मैं ये नहीं अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जो स्टॉक मार्केट में हाँ बहुत अच्छा लगा जो स्टॉक मार्केट अप डाउन चलता रहता है मार्केट में उसके बिहाफ पे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और राधिका आपटे ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की सभी का किरदार बहुत ही अच्छा है और मैं इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दूंगा और वन टाइम वॉच मूवी है थैंक यू सो मच